वेलकम टू स्मार्ट किड्स, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग लेसन वीडियोस। हेलो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू लेसन। आवर लेसन नेम इज अ सिनॉप्सिस द स्विस फैमिली रॉबिन्सन इन इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक इन क्लास 9। सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। बच्चों आज हम बहुत अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 में, वो भी इंग्लिश सब्जेक्ट जिसका नाम है सिनॉप्सिस द स्विस फैमिली रॉबिन्सन। तो आज हम अपने लेसन की शुरुआत करते हैं। द स्विस फैमिली रॉबिन्सन इज अ वेल नोन एडवेंचर नॉवेल दैट द पीपल ऑफ मैनी कंट्रीज हैव इंजॉय फॉर मोर देन 200 ईयर्स। इट हैज़ ऑल्सो बीन मेड इन टू ग्राफिक नॉवेल्स एंड फिल्म्स। अभी यहाँ पे जो स्विस फैमिली रॉबिन्सन है वो बहुत ही वेल नोन एडवेंचर नॉवेल है। जैसे ये इसकी जो स्विस फैमिली रॉबिन्सन की मतलब ऐसी एडवेंचर स्टोरी है जिसके ऊपर लोगों ने क्या बनाया, एक नॉवेल बनाया है, एक बुक बनाया है। अब बहुत सारे लोग इसको पढ़ना इंजॉय भी करते हैं। मतलब ये जो एडवेंचर्स है ना, मतलब बहुत इसके बेस पे बहुत सारी नॉवेल्स भी बनी हैं और फिल्में भी बनी हैं। तो आज हम इस लेसन की शुरुआत करते हैं। द नॉवेल रिटन बाय स्विस क्लगी मैन जॉन एंड डेविड वेस इज नॉट जस्ट एन एडवेंचर। इट एम एट टीचिंग यंग पीपल वैल्यूज लाइक सेल्फ रिलायंस, डिटरमिनेशन, लव फॉर योर फैमिली, कोऑपरेशन एंड प्रूडेंट यूज ऑफ सोर्सेज। मतलब ये नॉवल किसने लिखा है, द स्विस फैमिली रॉबिन्सन, मतलब हमारे स्विस क्लगी मैन जॉन डेविड वेस ने। मतलब उन्होंने क्या बताया इस नॉवल में, इस कहानी में क्या बताया, किसी भी एडवेंचर एक सफ़र नहीं है, भले इस एडवेंचर से सफ़र से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है कि हमें लोगों की वैल्यूज, उनका जो भरोसा है, एक जो मतलब हमारा जो स्ट्रगल पीरियड आता है तो हमें कैसे अपने कॉन्फिडेंस को, अपने मॉरल को डाउन नहीं करना है, हमें हिम्मत से काम लेना है। इट ऑल्सो हैज़ गुड लेसन रिलेवेंट इन नेचुरल साइंस एंड गुड हस्बेंड्री इवन इन मैथमेटिक्स। मतलब ये लेसन से क्या सीखने को मिलता है कि हमें जो नेचुरल साइंस है, गुड हस्बेंड्री है, इवन मैथमेटिक्स, जैसे हम अचानक सडनली कहीं पे फंस जाते हैं तो हमें कैसे अपने आप को अपने सेफ्टी के लिए, अपने बचाव के लिए हमें कौन से स्टेप्स लेने हैं। तो सर लिमिनेमेंट ऑफ द लिमिट ऑफ द नॉवल टू स्ट्रेच रियलिटी टू सर्टेन स्टेप, बट यू मस्ट कंसिडर डेट इट इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन एंड नॉट अ फैक्ट फाइल। गिवन ब्लो इज अ सिनॉप्सिस आउटलाइन ऑफ द स्पेसिफिक स्टोरी। मतलब एक ऐसे हम एडवेंचर वाली स्टोरी में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हमारे लाइफ में ऐसे कुछ पड़ाव आते हैं मुश्किलों का, जैसे सामना अगर मुश्किलात आती हैं, परेशानी आती है, तो हम कैसे उस परेशानी से बचें, कैसे हम अपने आप को बचाएं। तो यहाँ पे जो एक फैमिली है रॉबिन्सन, विलियम और जो एलिजाबेथ है, जो वहाँ पे क्या है हम देखेंगे इस लेसन में। विलियम एंड एलिजाबेथ एंड देयर चिल्ड्रन हैड बीन ट्रैवलिंग इन अ शिप When the ship was caught in a great storm। अभी यहाँ पे जो विलियम कौन है और एलिजाबेथ एक कपल है, उनके बच्चे भी है, तो वो कहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, एक शिप में। जैसे आपने देखा होगा ऐसे टाइटैनिक मूवी वगैरह देखी होगी, ऐसी बहुत सी मूवी देखी होगी, यहाँ पे बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं, जो फैमिली होती है वो जहाज़ में सफ़र करती है, प्लेन में सफ़र करती है, ट्रेन में सफ़र करती है, वो हर जगह सफ़र करते हैं। तो यहाँ पे जो विलियम है और एलिजाबेथ है, उनकी वाइफ है और उनके बच्चे हैं, वो कहाँ सफ़र कर रहे हैं, जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं। तो उनकी जहाज़ कहाँ फंस जाती है, उनकी जो शिप रहती है एक ग्रेट स्टॉर्म, एक बड़े से तूफान में फंस जाती है। द अदर पैसेंजर एवैक्यूटेड विदाउट देम। विलियम एंड हिज फैमिली इंक्लूडिंग द यंग चिल्ड्रन फिट्स अर्नेस्ट एंड जैक एंड फ्रांस वॉर लेफ्ट टू सर्वाइव अलोन। फिर क्या होता है, सारे पैसेंजर क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो यहाँ पे जो विलियम है उसकी फैमिली है, उनके जो चार बच्चे हैं वो अकेले पड़ जाते हैं। दे वेदर द ग्रेट स्टॉर्म वेटिंग इन द शिप्स होल्ड, द शिप सर्वाइव द नाइट, द फैमिली फाउंड देमसेल्फ विद इन अ साइट ऑफ ट्रॉपिकल डेजर्ट आइसलैंड। अभी यहाँ पे जब जो उनका जो शिप पे जो ट्रैवल करते रहते हैं विलियम और एलिजाबेथ, उनके बच्चे जो चार बच्चे रहते हैं वो जहाज़ में सफ़र करते थे, तो अचानक से क्या होता है, उनकी जहाज़ एक तूफान में फंस जाती है। और जब जहाज़ आपने देखा होगा, जब जहाज़ में जब तूफान आता है तो सारे लोग सब कहाँ जाते हैं, तहस नहस, सब लोग एक जगह से दूसरी जगह से हिल जाते हैं। मतलब ये उनकी जहाज़ कहाँ फंसती है, एक बड़े से ट्रॉपिकल डेजर्ट आइसलैंड में। मतलब ट्रॉपिकल डेजर्ट आइसलैंड कैसा होता है, जहाँ पे पानी नहीं है, मतलब ऐसा जजीरा जहाँ पे सिर्फ धूप ही धूप है, एक रेगिस्तान कैसा होता है, वहाँ पे फंस जाती है विलियम एलिजाबेथ और उनके चार बच्चे को फिट्स अर्नेस्ट जैक एंड फ्रांस। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे डिसाइडेड टू गेट टू द आइसलैंड दे कुड सी बियॉन्ड द रीफ। फिर क्या होते, वो हर जगह मतलब वो देखते हैं कि अब हम अपने आप को कैसे बचाएं, अपनी लाइफ हम कैसे बचेंगे। विथ मच एफर्ट दे कंस्ट्रक्टेड अ वेसल आउट ऑफ द टब। क्या किया उन्होंने, अपना एक मतलब उन्होंने एक टब उन्हें नजर आया जहाँ पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन काम करना शुरू कर दिया।
after they fill the tub with food and ammunition and all other article of value, they could safely carry. अब यहाँ पे जब जहाज में सफर करने के लिए हम जाते हैं तो देखो हम बहुत सारा सामान लिए होते हैं, जैसे हम अगर हमें ट्रेन में सफर करना होता, प्लेन में सफर करना होता या गाड़ी में सफर करना होता, देखो हम अपने साथ खाने वाने पीने का सामान तो रखे होते हैं कि हमें सफ़र के लिए इतनी सारी सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो विलियम एलिजाबेथ, उन्होंने भी अपने साथ खाने का सामान, ये सब सारे सेफ्टी के सामान उन्होंने अपने साथ रखे थे। दे रोड टूवर्ड्स द आइसलैंड, टू डॉग फ्रॉम द शिप नेम ट्रक एंड जुनू स्वयं बिसाइड देम, कि उनके साथ एक दो कुत्ते भी थे जो ट्रक जुनू जो वहाँ पे स्वयं कर रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे। शिप कार्गो लाइव स्टॉक गन्स एंड पाउडर कारपेंट्री टूल्स बुक्स एंड डिसेंबल फिनांसियल प्रोविजन हैड ऑल्सो सर्वाइव, मतलब उन्होंने अपने साथ क्या क्या रखा था, सारा सामान रखा था, खाने का सामान रखा था, गन पाउडर रखा था, कारपेंट्री टूल्स बुक्स डिसेंबल फिनांसियल, और अपने साथ दो कुत्ते भी रखे थे ट्रक जो है उन्होंने रखा था कि हम अपने सफर में इन सब चीज़ों को लेके जाएंगे। Over the next few days, William, father, attached to the floatable old keg to the another and built a boat that curved round them. फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या सो फैसला कर दिया कि अभी हम इस तूफान में तो फंस गए हैं तो लेकिन हम अपने बचाव के लिए हमें अपने आप को कैसे बचाना है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक छोटा सा टेंट बनाना शुरू कर दिया। द फैमिली हैड लैंडेड सक्सेसफुली ऑन द आइसलैंड, फिर उनकी फैमिली कहाँ, आइसलैंड में आ गई, जजीरे में आ गई। मतलब इस तूफान से क्या हो गया, उनके एडवेंचर में क्या है उनकी लाइफ में, मतलब वो एक तूफान में फंस गए थे लेकिन उनकी जान बचाने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि हमें कुछ ना कुछ स्टेप तो रखना होगा। दे सेट अप अ टेंट एंड सॉफ्टेड द फ्लोर विद द आर्मलोड ऑफ ग्रास दे कट एंड स्प्रेड टू सर्व एज द बेड, कि उन्होंने क्या किया, एक टेंट बनाया, एक खेमा बनाया, एक ग्रास वगैरह सब कट किया, एक बेड बनाई ताकि वहाँ पर वो आराम कर सके। दे केम टू ग्रो ऑफ द ट्री, ऑन वन ट्री ग्रो वट लुक लाइक अ गॉड ऑन इट इस, उन्होंने क्या किया, ट्री के पास क्या बनाया, एक घर बनाया। जैसे यहाँ पे तस्वीर में आप देख सकते हो कैसे इनकी जो शेप है कैसे तूफान में फंस गई है। That father told Fritz the guard would make excellent bowls and spoon. They cut them into various utensils. तो उन्होंने क्या किया, लकड़ी काटा, लकड़ी से क्या बनाया, बहुत सारे utensils बनाए, बहुत सारे spoons बनाए, और बहुत सारे उन्होंने उस लकड़ी से बर्तन बना दिए ताकि उन्हें खाने के लिए इस्तेमाल में लाए। After some days, Elizabeth informed William that she wanted the family to move to the safer place. फिर क्या हुआ, उन्होंने देखा कि अभी हमें जीने के लिए कुछ ना कुछ तो कुछ जगह हमें बनानी होगी कि हम नहीं तो ऐसे रहेंगे तो हम मर जाएंगे। तो एलिजाबेथ ने विलियम अपने हस्बैंड विलियम को इन्फॉर्म कर दिया कि वो अपनी फैमिली को के लिए एक सेफ जगह तलाश करना चाहती है। द करेंट कैप वॉज नॉट ओनली एक्सपोज बट ऑल्सो वेरी ड्राई एंड हॉट, मतलब इफ दे बिल्ट अ हाउस अप इन द हाउस ऑफ द लास्ट ट्री दे वुड बी सेफ फ्रॉम द जैकल्स, भी क्या क्या उन्होंने क्या सोचा कि हम ट्री के ऊपर क्या बनाएंगे, घर बनाएंगे ताकि हम सेफ्टी रह सके, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई जानवर वगैरह आएंगे तो जिससे हमारी जानों को खतरा हो सकता है। शी डिस्क्राइब परफेक्ट ट्री फॉर द प्रोजेक्ट, मतलब उन्होंने क्या सोचा कि हम अपना घर कहाँ बनाएंगे, ट्री के बनाएंगे, पेड़ के ऊपर हम अपना घर बनाएंगे। वन हूज ट्रंक वॉज नियरली 40 feet इन डायमीटर, मतलब इसका जो ट्रंक था कितना था, 40 feet डायमीटर, बहुत ही चौड़ा था। द ब्रांचेस वर वेरी लॉन्ग एक्सटेंडेड स्ट्रेट आउट फ्रॉम द ट्रंक, मतलब ब्रांचेस कहती थी बहुत ही लंबी और स्ट्रेट थी। मेकिंग देम परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर द स्ट्रक्चर लेटर व्हेन डिटरमाइनिंग द हाइट ऑफ द लोवेस्ट ब्रांचेस द फादर टॉट द बॉय ज्योमेट्री एंड हाउ टू यूज टू ट्रायंगल मेजर बाय ब्रिज प्रोजेक्ट, मतलब जो फादर थे वो मतलब अपने बच्चों को सिखाने लगे कि हमें कैसे घर बनाना है। उन्होंने कुछ ज्योमेट्री के कुछ फिगर्स उन्हें आते थे कि हमें कैसे ट्रायंगल बनाना है, तो उन्होंने ट्री पे क्या किया, अपना घर बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी जान बचानी थी कि हम इस आइसलैंड में तो फंस गए लेकिन हमें अपनी डिफेंसी के लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना होगा। ही मेजर डिफेंस डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रंक देन ही कैलकुलेट एंगल यूजिंग सर्वल मेजर रॉड एंड डिटरमाइनिंग दैट द लोवेस्ट ब्रांच वॉज 30 feet ऑफ द ग्राउंड। फिर क्या हुआ, उन्होंने अपने सारे ट्रंक को क्या किया, मेजर करने लगे। बाद में जो ट्री का जो मेजर था, जैसे यहाँ पे आप ट्री देख सकते हो, जो मेजर था उन्होंने क्या किया, लोवेस्ट ब्रांच को मेजर किया और क्या किया वहाँ पे, मतलब वहाँ पे एक ग्राउंड पे उन्होंने अपना घर बनाना शुरू कर दिया। द मैन नोटेड ऑन रॉक इट सर्टेन इंटरवल एंड अटैच अ पीस ऑफ बाम्बू इन ईच नोट, फिर क्या किया वहाँ पे उन्होंने बाम्बू लगाना शुरू कर दिया। दस दे क्रिएटेड द लैडर फादर रिटर्न टू द बीच एंड कलेक्ट द ड्रिफ्ट वुड एंड थिंकिंग इट वुड बी परफेक्ट टू बिल्ड अ स्लेज रनर देन द व्हील्स लेटर दे यूज इट टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल, फिर क्या किया उन्होंने, फादर ने क्या किया वहाँ से कुछ
क्या बीच के पास से कुछ लकड़ियाँ उठा के लाई, वहाँ से अपना काम शुरू कर दिया कि यहाँ पे हम अपना घर बनाएंगे। Meanwhile, Elizabeth announced that the garden she had been tending was producing healthy plants, corn, melon, pumpkin, cucumber, what already grown. फिर क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद एलिजाबेथ ने जो अपने साथ सफ़र के लिए ट्रैवलिंग के लिए खाने का सामान रखा था, फ्रूट्स रखा था और ग्रेन्स रखा था, तो वो सब सामान कितने दिन तक रहेगा, थोड़े दिन तक रहेगा, उसके बाद वो क्या खाएंगे, उसके बाद तो खाना तो उनके पास जो था वो तो ख़त्म हो जाता, फिर वो खा क्या खाते। तो यहाँ पे क्या किया एलिजाबेथ ने, उसने वहाँ पे एक छोटा सा गार्डन बना दिया था ताकि वहाँ पे उन्होंने किसके किसके भी प्लांट्स उसने उगाए थे, हेल्दी प्लांट उगाए थे, कॉर्न के, मेलन के, पम्पकिन, कुकुम्बर के, जैसे वहाँ पे उनके जो फ्रूट्स अगर और वेजिटेबल्स अगर ग्रो होने लगे तो उन्हें खाने को मिल जाए। द नेक्स्ट डे ओनली द फादर एंड द फिश ट्रैवल टू द वुड एक्सप्लोरिंग फाइंडिंग सच एक्सोटिक प्लांट्स एज वन विद द फिश वेन द वैक्सी फ्रूट फ्रॉम विच कैंडल कुड बी मेड फ्रिट्स। अभी यहाँ पे क्या हुआ, जब अगला दिन क्या तो फादर फ्रिट्स कहाँ पे लगे, वहाँ पे ट्रैवलिंग करने लगे कि अभी हमें अपने अपने लिए एक सेफ्टी जगह, हमें यहाँ पे कुछ प्लांट्स हमें सर्च करने, कुछ फ्रूट सर्च करें ताकि हमें कुछ खाने को मिल जाए। फ्रूट उसका हुआ एट थ्री स्कैंडिंग रबरी सेफ फ्रॉम द विच हिज फादर क्लेम दैट कुड मेक अ बोर्ड्स, उससे क्या बनाने लगे, बोर्ड्स बनाने लगे, दरवाजे बनाने लगे। Thinking ahead of the next winter, father decided to create a place safe from the elements, strong storage support to protect themselves and their belonging fits, and came with the idea of the cave. Not finding one, they thought of carving out their own in the rock abutting the compass site. On the smooth face of the rock, father marked the dimension for an opening. They pick away the hard surface with their axes. Cheese and hammer shower over the next several days, the family cut window the rock to allow for the cross current of the air and for the sunlight to enter the cave. When they had finished, they had four room and complete the fireplace. They had now a new winter home. फिर क्या हुआ, उन्होंने वहाँ पे वहाँ से क्या लाने लगे, पूस लाए, फिर वहाँ से उन्होंने ऐसे ऐसे करके उन्होंने बाम्बू लगाए, स्टिक्स लगाए, जिससे उनके क्या बन गए, चार कमरे बन गए, जिससे उनके लिए अब जिससे उनके उनका अच्छा खासा एक घर बन गया। लेकिन अभी उनके लिए अभी यहाँ पे अभी विंटर का मौसम शुरू होने लगा, तो उन्होंने कहा कि अभी हमें अपने ठंडी से सर्द से बचने के लिए हमें नया घर बनाना होगा। Because of the low light, the cave house they had built proceeded to remedy this. Father and Jack rig up a new lamp. They found a bamboo pole that would reach from the floor to the ceiling. Then, after squaring it, Jack climbed to the top of the pole, hung a large oil lamp that had rescued from the ship. फिर क्या किया, यहाँ पे उन्होंने एक बाम्बू लाया जिससे उन्होंने बाम्बू सर्दी से बचने के लिए उन्होंने एक घर बनाया। One day they found that one of the family herds had been completely destroyed. Cultivated field around it had been. One day they found that one of the family herds had been completely destroyed and cultivated fields around it. It had been trampled and ruined. फिर क्या हुआ, उन्होंने एक बार वहाँ पे क्या देखा कि एक फैमिली जो है जो डिस्ट्रॉय हो गई है, जो एक डिस्ट्रॉय हो गई वहाँ पर, एक उन्होंने क्या देखा कि एक फैमिली का जो एक झोपड़ी, एक हट उन्होंने देखा जो बुरी तरह से तूफान में क्या हो गया, बर्बाद हो गया। उन्होंने उसके कुछ फुट स्टैम्प भी देखे, पाँव के निशान भी देखे। देयर वर ह्यूज फ्रूट रिमार्क एवरीवेयर। फादर सॉ अ मैसेज डैमेज टू ट्री एज वेल एज मैनी फ्यूज हुज ब्रेन विच वॉज बी आइडेंटिफाइड बिलोंगिंग टू द एलिफेंट हट। वहाँ पे देखा कि वहाँ पे ऐसी बहुत सारी फैमिली जो डिस्ट्रॉय हो गई है, बहुत सारे लोगों की जान चली गई जिसके लोगों के पाँव के निशान मिले। The next morning the family began to design a new defense to discourage all wild animal from their entering their cultivated lands. उन्होंने क्या सोचा कि अभी हमने इतनी सेफेस्ट रूम तो बना ली, लेकिन हमें वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए अभी हमें ऐसी जगह बनानी होगी जहाँ से हमारे जो इस ज़मीन में जंगली जानवर एंट्री ना कर सके। तो ऑल्सो फाइनलाइज द आइडिया अबाउट द न्यू रेसिडेंस रेदर देन बिल्डिंग अ हाउस ऑन द स्टेट्स वाइल द एलिफेंट कुड नॉक डाउन द इजली दे वुड यूज फोर स्ट्रॉन्ग ट्रीज ग्रोइंग इन अ स्क्वायर नियर अनदर फॉर द फाउंडेशन। द ट्रीज वॉर इक्वल साइज एक्सक्लूसिवली 12 फीट अपार्ट।
Thus they built another safe home. फिर क्या किया उन्होंने, सोचा कि अभी हमने सेफ्टी रूम तो बना लिया ट्री के पास, लेकिन हमें वाइल्ड एनिमल्स से भी बचना है कि अगर वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पर आ गए तो हमारी जान को खतरा हो सकता है. तो उन्होंने बचने के लिए क्या किया, बड़े बड़े बम्बूस लाए ताकि हमारे इतना उन्होंने इतना चौड़ा बना दिया ताकि हमारी जान आसानी से बच जाए. 10 years passed, the young boy was now young man. कि 10 साल गुजर गए, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी कहाँ गुजार दी, इधर ही गुजार दी. जो उनके बच्चे थे वो क्या हो गए, बड़े हो गए, जवान हो गए. The parents were very proud, उनके मम्मी भी खुश होगी कि हमारे बच्चे बड़े हो गए. They called the Iceland new Switzerland. Many adventure occur over the years. कि उन्होंने आइसलैंड को क्या बना दिया, न्यू स्विट्ज़रलैंड बना दिया. और उन्होंने बोला कि यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर हुए, ऐसे बहुत सारे हादसात हुए हैं. On the shore of the another Iceland, Fritz had knocked down an albatross which was threatening to attack him and found a big rag tied to the large bird's leg. फिर वो जब वो दूसरे शोर पे गए तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे कोई नई एक फैमिली फंसी हुई है. On the rag was message that English woman had been stranded on the smoking room. Fritz had no idea how the old message was. His gathered suggested the smoking room. Sounded like a reference to volcano. Since there were no volcano in the vicinity, the bird might have come from 100 miles away. However, the Fritz felt that someone needed his help. He was determined to do best find the sender. Before returning home, he had written his own note on the rig, retired to the Albatross Lake, and watched the bird fly off. That note that whoever receives it, do not despair. Help is near. सक्सेसफुली रेस्क्यू द यंग वोमेन जैन मोंट्रोसोस. फिर क्या हुआ, उन्होंने यहाँ पे फ्रिट्ज ने क्या देखा कि यहाँ पे किसी की आवाज़ आ रही, चीखनी चिकने की आवाज़ आ रही कि मेरी मदद करो. तो यहाँ पे क्या करता है फ्रिट्ज, उसकी जान बचाता रहता है. एक लेडी रहती है जिसका नाम जैनी मोंट्रोस रहता है, कि वो वहाँ पे फंसी हुई रहती है. तो फ्रिट्स रहता है उसकी जान बचाता है, जैनी मोंट्रोस की जान बचाता. दोष शायद वॉज शून शी गॉट यूज टू लिविंग इन रॉबिन्सन फैमिली. फिर जब वो फ्रिट्स जो रहता है, विलियम और एलिजाबेथ का बेटा रहता है, वो जैनी मोंट्रोस की जान बचाता है, तो फिर जैनी मोंट्रोस उनके साथ रॉबिन्सन फैमिली के साथ रहने लगती है. वन डे दे सॉ अ शिप विच हैड अ लैड एंकर एंड एंकरमेंट हैड बीन सेट अप वन ऑफ द स्मॉलर आइसलैंड. फिर क्या उन्होंने देखा कि एक शिप आ रही है, उनके एक शिप दिखती है, दिखते हैं कि वो कहाँ पर आ रही है, इस आइसलैंड के पास आ रही है, जजीरे के पास आ रही है. आफ्टर चेकिंग द पीपल थ्रू द स्पाई ग्लासेस. की वो जैसे आपने देखा होगा जब हम नाव में सफ़र करते, देखो हमारे पास एक दूरबीन होती है जिससे हम देखते हैं कि हमारे इस जजीरे के पास कौन आ रहा है. फिर सेनिस फादर डिसाइड्स टू अनाउंस देमसेल्फ दे हैड रिटर्न होम एंड क्लीन इट अप. उन्होंने क्या सोचा कि हमें इनको बुलाना चाहिए कि हमें, ताकि ये हमारी मदद कर सके, ताकि हम अपने शहर वापस जा सके. They did not want to queue to think they were savage. The next day, Fritz and his father met the captain and told him their own history as well as Jenny. To everyone's surprise, it had been Jenny's father who had inspired the captain's search. He believed his daughter was still alive after 3 years. The captain had decided to attempt to find her. कुछ दिनों बाद उन्हें एक जजीरे के पास क्या दिखाई देती है, आइसलैंड के पास शिप दिखाई देती है. फिर जैनी और जो फिर उसकी फैमिली रहती है, विलियम और जैसे बस होते कि हमें इन्हें कांटेक्ट करना चाहिए, ताकि हम अगर इनसे कांटेक्ट करेंगे ताकि हम अपने शहर वापस पहुंच जाए. जब उन्हें बुलाते हैं दूरबीन से, देखते हैं स्पाई ग्लासेस से, देखते हैं कि वो जैनी जो वो कैप्टन से मिलते हैं, तो वो कैप्टन कौन रहता है, वो जैनी का डैडी रहता है. और जैनी के डैडी को पता ही नहीं चलता कि 3 साल गुजर के मुझे तो पता ही नहीं मेरी बेटी जिंदा है. तो हमें ऐसा लगता है ना कि शायद कोई तूफान आएगा तो हम सारे इस तूफान में हमारे बहुत से लोगों की जान चली जाती है. विद अ बर्स्ट ऑफ सेलिब्रेशन द फैमिली एंड द पैसेंजर एंड क्रू ऑफ द ब्रिटिश वेसल हिल टूवर्ड्स न्यू स्विट्ज़रलैंड. एवरीवन वाज अमेज्ड बाय प्रॉस्पेरिटी गुड हेल्थ ऑफ द सर्वे. फिर क्या होता है जब वहाँ पे जो उनकी फैमिली रहती है, रॉबिन्सन की फैमिली, तो उस वहाँ पे उस शिप में बैठ जाती है कि उन्हें एज द डे एंड द फादर रियलाइज द डिसीजन मस्ट बी मेड अबाउट टू वॉन्टेड टू स्टे ऑन द आइसलैंड रिटर्न विद द शिप. कि हमें अब इस आइसलैंड जजीरे में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें उस शिप में रह के हमें अपने शहर वापस चले जाना चाहिए. एलिजाबेथ एंड हर हस्बैंड डिड नॉट विश टू लिव एनी वेयर बट ऑन द आइसलैंड. मतलब उन्होंने क्या सोचा कि अभी हमें इस आइसलैंड में नहीं रहना है, हमें अपने शहर वापस जाना है. They had been in for so long and had grown so their life.
जेनी आस्क इफ एनीवन वुड सपोर्ट हर रिटर्न टू इंग्लैंड फ्रीज वाज द फर्स्ट टू रेस्पॉन्ड कि जेनी ने पूछा कि अगर वाकई जो मेरे शहर में आना चाहता तो आप लोग आ सकते ही ऑफर चेयर फॉर सुअर गोइंग टू यूरोप अनेस ऑन द अदर हैंड वॉन्टेड टू स्टे ऑन द आइसलैंड जैक एंड ऑल्सो डिसाइड टू स्टे बैक फ्रांस द यंगेस्ट बॉय रिसर्चर टू जॉइन प्रिट्स इन लिविंग फ्रांस वॉन्टेड अ चांस टू रिसीव इन एकेडमिक एजुकेशन बिफोर प्रिट्स लेफ्ट told his parents love for Jenny his wish to marry her. फिर क्या होता है जैसे जैसे जेनी फिर सब जेनी की जान बचाता है तो अपने पेरेंट्स को बता देता है कि मैं जेनी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ. तो यहाँ पर जब जरती है जो जो उनकी फैमिली फंसी रहती है विलियमसन और एलिजाबेथ उनके चार बच्चे फंसे रहते तो उन्हें वो शिप में चले जाते अपने शहर में वापस कि उन्होंने सोचा कि अगर हमें जीने का एक नया सहारा मिला तो हमें अपनी जान बचाने के लिए अपने शहर वापस चले जाने चाहिए. द फादर हैड कैप्ट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एडवेंचर. अभी जो फादर विलियम थे उन्होंने सारे रिकॉर्ड के एडवेंचर्स उन्होंने एक रिकॉर्ड बना के रखा था. दे हैड ऑन द आइसलैंड ही हेडेड ओवर द जर्नल्स टू कैप्टन द पब्लिश एंड देयर शिप डिपार्टेड. फिर क्या हुआ फिर क्या होता है यहाँ पे जो उन्होंने जब यहाँ जो फादर विलियम्स उन्होंने सारे रिकॉर्ड लिख के रखा था आइसलैंड में उनके साथ कौन कौन से वाक्या पेश आए और जर्नल्स उन्होंने ये सब कहाँ छाप दी एक नॉवेल्स में पब्लिश कर दी कि ये जो इंसिडेंट था रियल था कि उन्होंने किन किन मुश्किलों का सामना किया. फिर क्या हुआ द शिप डिपार्टेड. फिर क्या होती है शिप का शिप क्या होती है फिर शिप चली जाती है. तो बच्चों इस लेसन में हमने देखा कि जो रॉबिन्सन की फैमिली थी उन्होंने कितने हर्डल्स उठाए कितने मुश्किलों का सामना किया तब जाके उनकी जान बचती है.